भीषण गर्मी पड़ रही है और भले ही पारा 45 के करीब हो, लेकिन कहते हैं ना कि मिट्टी के लाल तो देश में कमाल करके दिखाते हैं, और ऐसे ही कमाल की उम्मीद लगाए बैठे। आप ये देखिए कि यहाँ गांव-गांव है, गली गली है, वो इस तरीके से जो तमाम प्रतियोगिताएं हैं वो शुरू हो जाती हैं, और यहाँ ये कबड्डी की जो प्रतियोगिता है वो चल रही है। तमाम गांव के आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर इसी तरीके से अलग अलग टीमें बनाते हैं, और अब जो कबड्डी का क्रेज़ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ लोगों की भीड़ नज़र आ जाएगी। दोपहर के बाद यहाँ इसी तरीके से जो युवा हैं उनकी भीड़ लग जाती है, और खिलाड़ी यहाँ मैदान पर इस कोर्ट पर पसीना बहाते हुए नज़र आते हैं। शहरी इलाकों में समर कैंप चलते हैं, और यहाँ का तो समर कैंप यही है कि यहाँ कबड्डी खेली जाती है, और यहाँ एक सपना ये युवा देखते हैं कि हमें भी देश की टीम में पहुँचना, और उसी सपने को लेकर आप देखिए कि ये जो कंपटीशन है, जो कबड्डी प्रतियोगिता है, वो यहाँ पर की जा रही है। अटोला गांव की ये तस्वीरें हैं, और अटोला गांव के आसपास के जो और भी गांव के लोग हैं वो इसी तरीके से टीमें बनाते हैं, और टीमें बनाने के बाद यहाँ इस मैदान पर जो पसीना है वो पसीना उनकी तरफ से बहाया जाता है। इलाके के बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो भी यहाँ पहुँच जाते हैं, और इस टीम की हौसला अफजाई करने के लिए। और अब जो ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में जो कबड्डी का क्रेज़ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ये देखिए चारों तरफ आपको जो युवा हैं वो नज़र आ जाएंगे, जो इलाके के बड़े बुज़ुर्ग हैं वो नज़र आ जाएंगे, और यहाँ इसी तरीके से जो टीम की हौसला अफजाई है वो करने के लिए आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब जो कबड्डी का क्रेज़ है वो लगातार यहाँ बढ़ता हुआ। आप ये देखिए किस तरीके से बेहतरीन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कहीं ना कहीं इनकी जो हौसला अफजाई है वो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनकी हौसला अफजाई की जाती है, और रोज़ इसी तरीके से ग्रामीण इलाकों में जो प्रतियोगिताएं हैं वो हो रही हैं। यहाँ के जो कोच हैं उनसे मैं बात कर लेता हूँ। सर, देख रहा हूँ कि गर्मी तो बहुत है, और आप लोग यहाँ पर खेल यहाँ तो खेली है सर, गर्मी हो या सर्दी हो हमें कुछ असर नहीं पड़ता, हम तो खेत के बच्चे हैं और इन्हें कुछ असर नहीं पड़ता ना। यहाँ क्रेज़ बढ़ने का कारण क्या है? पर आपका प्रो कबड्डी का होना, और हमारे कबड्डी पहले से ही खेली जा रही है, बच्चे उस दर लौट रहे हैं, अपनी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। मतलब जाए करते देख रहा हूँ कि बहुत बच्चों में उत्साह नज़र आ रहा है। इधर आ जी सर, बहुत उत्साह है। वो उनको इकट्ठा करके बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई चलो, उनकी हौसला अफजाई होती है तो सर वो उस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं, और बच्चे का जब मनोबल बढ़ेगा तो सर वो क्रेज बढ़ेगा। हम अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे सर, सपोर्ट करेंगे सर। देख रहा हूँ बहुत क्रेज बढ़ा हुआ है यहाँ तो। हाँ, यहाँ गाँव के बच्चे हैं बहुत मेहनत करके अपने शरीर को अच्छा बनाते हैं, ये मोबाइल में नहीं लगते, मोबाइल से दूर हटके अपने शरीर की अपनी फिटनेस पर ध्यान लगाते हैं, मतलब खेलते हुए आते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हमेशा कुछ क्रेज बढ़ा है वैसे कबड्डी का बहुत तेज है। आप देखेंगे तो अभी ये बच्चे हैं, हर मौसम चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर मौसम में बच्चे खेलते नजर आते हैं, कुछ खेलते हैं कुछ दौड़ते हैं, और अपना शरीर की फिटनेस को अच्छा बनाते हैं, और साथ साथ प्रो कबड्डी लीग में भी खेलने की कोशिश करते हैं। कई बार कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ से बच्चे दूर दूर तक खेलने जाते हैं, इंटर लेवल हो स्टेट लेवल हो कुछ भी हो, बच्चे तो जब बच्चा आगे बढ़ता है तो दूसरे बच्चों की भी प्रेरणा स्रोत बनता है। अच्छा, दूसरे बच्चों को, दूसरे बच्चे भी उनको देखकर आगे बढ़ने की कोशिश, कान में सब कुछ अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा मिलता है। तो देखिए मैदान में सब कुछ अच्छा मिलता है, कुछ खिलाड़ी भी देख रहा है, गर्मी नहीं लगती है? अच्छा, टीम के कप्तान हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नवनीत सिंह। अच्छा, गर्मी नहीं लगती है? नो सर। अच्छा, आप देख रहे हैं कि कबड्डी का कुछ क्रेज बढ़ा है, पहले क्या वजह है उसके पीछे की? सर, वजह तो है बहुत अच्छा अच्छा खेल रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं फोन, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी निकल के आए हैं कबड्डी में, तो हम भी चाहते हैं कि माँ बाप का नाम रोशन करें, हमारे टीचर्स का नाम रोशन करें, नाम कमाएं अपने, कुछ तो करना चाहिए। तो आप लग रहा है कि मतलब कबड्डी के लिए भाई गर्मी में तो लोग समर कैंप में जा रहे हैं, आपका तो इसका मतलब यही समर कैंप है? हाँ जी सर, यही है हमारा तो। अच्छा, यही समर कैंप। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा, कुछ और लोग से भी। ये देखिए जो किस तरीके से पूरा, और कहते हैं ना कि भाई युवाओं की जो हौसला अफजाई है वो भी हौसला अफजाई ज़रूरी होती है, और यहाँ ये देखिए किस तरीके से बच्चे पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ इलाके के कुछ बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी बैठे हैं। देख रहा हूँ जी, आप सब लोग यहाँ पर हौसला बढ़ाना आ गए बच्चों का? हाँ, बच्चे भी जी हम कबड्डी। अच्छा, कुछ कबड्डी का बड़ा है कुछ क्रेज सा? हाँ जी, अब बड़े, हाँ जी, हम तो वॉलीबॉल खेल रहे हैं वैसे तो। अच्छा, आप वॉलीबॉल खेल रहे? हाँ जी। तो कबड्डी की तरफ भी रुझान बढ़ा है, बच्चा खेल रहा है इनका, इसलिए यहाँ पर मैच देखना है। जो लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं, और कहते हैं ना कि तो मिट्टी का खेल है, कि भाई कहते हैं मिट्टी के लाल हैं, यहीं गिरेंगे यहीं पड़ेंगे यहीं उठेंगे यहीं लड़ेंगे। जी जी जी, आप देखो बदल रहा है,
जागरूक हो रहे हैं खेल की। हाँ जी, कबड्डी खेली जा रही है जी, बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं, हमारे भी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो देखिए ये किस तरीके से जो उत्साह है वो उत्साह बढ़ाया जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है। सर आप भी बता दीजिए, चेहरे की मुस्कुराहट और बच्चों का खेल देख रहे हैं, कबड्डी का बड़ा उत्साह सा नजर आ रहा है। सर कबड्डी के खेल में मैं तो इसमें खेला था जी, बहुत आनंद में खेल है। और इस खेल को मरे हुए को तो हमारे जो डीएम पब्लिक स्कूल के चेयरमैन साहब श्री जितेंद्र जी हैं, इन सब खेल को और इसके साथ साथ अन्य खेलों को पुनर्जीवित कर दिया। अच्छा, इन्होंने एक डेढ़ साल से ये जो अपने यहाँ स्पोर्ट एकेडमी चलवाई है, इससे बच्चों में बहुत जागरूकता है और परिवार वाले भी उनकी जागरूकता ले रहे हैं और इस बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनके लिए कामना करता हूँ कि वो बच्चे भविष्य में बहुत अच्छा कार्य करें। और इस बार जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं कहता हूँ कि महीना दो महीना बाद चार महीने बाद मैं भाई साहब से बात करके इससे बड़े रूप में इस प्रोग्राम को दोबारा कराएंगे हम। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं हौसला अफजाई है वो यहाँ पर ज़रूर की जा रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा पूरी तरीके से आसमान से आँख बरस रही है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं, जो उत्साह है वो बढ़ रहा है, कबड्डी के प्रति रुझान बढ़ रहा है और आसपास के तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहाँ इसी तरीके से आकर इन बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।